एंड सलाम नमस्ते एंड केम छोन वेलकम बैक टू माय चैनल वीके वर्ल्ड ब्लॉग्स। दोस्तों यस, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि जिसका ट्रेन नंबर है 22439 और ये चलती है दिल्ली टू कटरा। यस दोस्तों, आज हम इसमें सफ़र करेंगे और देखेंगे वाकई में ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कैसी दिखती है। चलिए इसको अंदर से देखते हैं और इसकी फैसिलिटीज़ को आपको मैं पूरे अच्छे से बताऊँगा। तो चलिए इसके इनसाइड। यस दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये ऑटोमेटिक डोर सिस्टम। यस दोस्तों, ये वंदे भारत अंदर से कैसे दिखती है और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे केटरिंग सर्विसेज यहाँ देख रही है। ये रहे इसके ऑटोमेटिक डोर्स, आप देख सकते हैं सीसी कैमरा भी लगे हुए हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इसमें इंजॉय किया। यस, ये मॉर्निंग में दिल्ली से चलती है और कटरा आपको दोपहर में 2 बजे तक ये आपको उतार देगी। यस दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी, देखिए मैं जब एंट्री करा काफ़ी रश था, काफ़ी लोग अपने सामान को इधर उधर रख रहे थे, बट फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा था कि यस जो पहली एक्साइटमेंट है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठने की और अंदर से देखने की। दोस्तों यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, सिटिंग चेयर्स कार है, ये नॉर्मल जो क्लास है वो है और जिसका फेयर लगभग 2000 के आसपास है और इसमें जो आपका ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है। देखिए सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, सिटिंग एरिया भी ठीक ठाक है, अच्छा लगा मेरे को। और ये ट्रेन आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्लस आपको लंच भी प्रोवाइड करेगी। दोस्तों ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस है, गर्म ठंडा पानी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ के अंदर मिल जाएगी। इसके कोचेस काफ़ी ही बढ़िया और शानदार है, प्रॉपर डस्टबिन सब कुछ यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से अंदर आपको मिल जाती है। दोस्तों सिटिंग आप जैसे कि आप देख रहे हैं 3:2 का रेशियो है, एक साइड आपको 2 दिखेगी और बाकी देखिए काफ़ी अच्छा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं लोग काफ़ी अपने आप को एडजस्ट करते हुए, सेटिंग है, बैठ के जाना रिलैक्स है, पूरी आपको जैसे कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं और वैसे ही आपको पूरी फीलिंग आएगी। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा इस तरह की। और आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड विंडोज़ हैं, आप इजी बाहर के साइड्स को देख सकते हैं और अपने व्यूज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। और जिस रूट पे ये चलती है जम्मू, वहाँ पे नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये इसकी सिटिंग आप देख सकते हैं, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, नीचे अच्छा ठीक ठाक लेग स्पेस है, आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। और ये रहा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, देखिए दोस्तों ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा शानदार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ आपको। और इस तरह जर्नी करने के बाद हम ऑलमोस्ट बाणगंगा, यस ये बाणगंगा की तस्वीरें हैं जो काफ़ी सूख चुकी है, बट हम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं माता वैष्णो देवी कटरा के। यहाँ पर ये छोटा सा व्यू आपको मैं दिखाने के लिए कि बाणगंगा ऑलमोस्ट एंट्री करती है ब्रिज के थ्रू, यानी आप बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे माता वैष्णो देवी के स्टेशन पे। यस दोस्तों, काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत ही मनमोहक था जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो व्यू है माइंड ब्लोइंग, ये आप वहां जाके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों अल्टीमेटली हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो के दरबार, ये रॉयल एंट्री आप देख सकते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट रीच हैं। ये ठीक 2 बजे हम दोपहर के पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी कटरा। और यस दोस्तों, अगर आप प्लान बना रहे हैं माता वैष्णो देवी ट्रिप का तो ये ट्रेन आपके लिए बहुत सौगात है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस पर ट्रेवल करके, 8 आवर्स कब चले गए मुझे पता भी नहीं चला। और ये लिटरली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, देख सकते आप मेरे पीछे लाखों हज़ारों ग्राहक कस्टमर्स या लोग से श्रद्धालु वंदे भारत की तरफ इंजॉय करते हुए और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के अपनी लाइफ टाइम जर्नी में एक बार ज़रूर माता वैष्णो देवी के घर में जाइए, उनको एंजॉय करिए, उनको देखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और अपनी और एंटायर फैमिली को, जो मेरी फैमिली है उन सभी को माता रानी अच्छी लाइफ दे, अच्छा हेल्थ दे। और इसी के तरह मैं अपने इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ। होप मेरे आने वाली वीडियोस में आपको कुछ ऐसे नए नए ट्रेवल ब्लॉग्स में आपको दिखाऊँ।
अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या मुझे कहीं चेंजेस करने चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, इनबॉक्स करिए, तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा। तो होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को वी के वर्ल्ड ब्लॉग। तो दोस्तों, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय माता दी।